दोस्तों बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है EPS 95 पेंशनर्स को लेकर। दोस्तों इस तरह की अपडेट हम आपको देते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चले चलते हैं अपडेट की तरफ। EPF हायर पेंशन के लिए प्रदर्शन, और ये न्यूज निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश के भोपाल से। भोपाल निवृत्त कर्मचारी राष्ट्रीय समन्वय समिति के बैनर तले 17 से ज्यादा निगम मंडलों एवं भेल पेंशनर्स व कर्मचारियों ने हायर पेंशन समेत अन्य मांगों को लेकर बुधवार को प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मांगों को लेकर नारेबाजी की। अरेरा हिल्स स्थित EPFO के रीजनल ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने से पहले कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने रीजनल कमिश्नर 1 एस के सुमन से बातचीत की। इस दौरान उन्हें ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रदर्शन के बाद वहां सभा हुई। इसे चंद्रशेखर परसाई, वीरेंद्र खोगल, अजय श्रीवास्तव, रमेश राठौर, अनिल वाजपेयी, श्याम सुंदर शर्मा, बीके व्यास ने संबोधित किया। दोस्तों बहुत ज्यादा आंदोलन हो रहे हैं EPF 95 पेंशनर लगातार देश के अलग अलग क्षेत्रों में पेंशन को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों सरकार के ऊपर इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। दोस्तों बताया जा रहा है कि CBT की मीटिंग इसी महीने होने वाली है और उम्मीद लगाई जा रही है कि EPS 95 पेंशनर्स के ऊपर कोई बड़ा फैसला आ सकता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही लोकसभा में श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने काफी अच्छे उत्तर दिए हैं। उन उत्तरों को देख कर ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्दी CBT मीटिंग के द्वारा EPS 95 पेंशनर्स को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। और दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए आपको क्या लगता है, क्या CBT मीटिंग में EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन को बढ़ाया जाएगा या फिर नहीं बढ़ाया जाएगा, और अगर बढ़ाया जाएगा तो कितना बढ़ाया जाएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आके लिख दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए, और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।